मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के गुनहगार मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति भवन भेजी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन को अपनी सिफारिश जो भेजी है उसमें कहा है कि फांसी की सजा बरकरार रखी जाए। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, फांसी की सजा बरकरार रखी जाए, सूत्र यही बता रहे हैं, यही सिफारिश जो गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि ये याचिका कल दोपहर को केंद्र गृह मंत्रालय के पास आई थी और कल शाम को ही इस याचिका को भेज दिया गया है राष्ट्रपति भवन। और गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस याचिका में गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में साफ तौर पर कहा है कि एक जघन्यतम अपराध है, क्रूरतम अपराध है, जिसकी कोई श्रेणी ही नहीं हो सकती, लिहाजा जो आरोपी है उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी जाए। मैं जरा सा आपको रोकना चाहती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। निर्भया की माँ इस वक्त कुछ कह रही है मीडिया के सामने, सुनते हैं। इस्तेमाल करिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फाइनली 7 तारीख को कोर्ट ने डेट अरेंट जारी किया और ये कहा कि मैंने 14 दिन में आप मर्सी कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने नहीं किया। समय निकालने के लिए, इसको स्टे कराने के लिए उन्होंने क्यूरी डाली, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए अर्जी लगाई क्यूरी के बहाने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने खारिज किया और फिर उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में कर दिया। कल उस पे सुनवाई हो रही थी लेकिन सिर्फ एक की बात हो रही थी। 3 का मुजरिम न मर्सी दिया डाला, न क्यूरी डाला और नहीं तो कोर्ट में वो अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए कागज पकड़ा रहा है। तो वहां भी सख्त होना चाहिए कि जब उसको मौका दिया गया, आज 7 साल से उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जिस तरह से 7 साल पहले लड़की के साथ खिलवाड़ किए उन लोगों ने, आज कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक हो रहा है। आज सरकार चुप है, कोर्ट चुप है, उनको 1000 ऑप्शन मिल रहा है, हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोषी की सजा, दोष साबित होने के बाद जब उनको फांसी की सजा दी, मतलब फांसी की सजा बोल दी गई कोर्ट द्वारा, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता नहीं कि उनके पास एक के बाद उनको कानून के रास्ते मिल रहे हैं, बचने के लिए लंबा समय दिया जा रहा है? आप नहीं मानती कि इस कानून के अंदर कितनी कहीं खूबी का कमियां हैं कि जो उसको रास्ता दे रही है, जो उनको समय दे रही है? जी बिल्कुल दिख रहा है, हमें क्या समाज को दिख रहा है। आज सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं है, हजारों लड़कियों की बात है, हजारों महिलाओं की बात है। मैं कंटिन्यू इस केस को फॉलो कर रही हूँ 7 साल से। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 2017 में, 22 में, अरे 18 में उनकी रिव्यू खारिज हो गई, मैं इधर उधर घूमी, दिल्ली सरकार में गई, केंद्र सरकार में गई, हमें कौन कोर्ट का हवाला दिया? तो बड़ा वाजिब सा सवाल जो उठा रही हैं निर्भया की माँ कि आखिरकार दोषियों को इतनी 1000 सुविधाएं, एक तरीके से क्यों उनको 1000 अधिकार क्यों? हम सीधे आपको लिए चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था बीच में जो जवाब रह गया था, क्योंकि निर्भया की माँ मीडिया के सामने थी, गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं ना कि सिफारिश कर दी गई है कि फांसी की सजा बरकरार रखी जाए? बिल्कुल रोमाना, गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में साफ तौर पर कहा है ये जघन्यतम अपराध है, बेहद क्रूरतम अपराध है, लिहाजा इसमें आरोपी के साथ किसी भी तरह की दया नहीं बरती जानी चाहिए और उसकी फांसी की सजा बरकरार रहनी चाहिए। इस सिफारिश के साथ ये राष्ट्रपति भवन को भेज दी गई है और गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस याचिका पर राष्ट्रपति जल्द ही अपना निर्णय ले सकते हैं। रोमाना,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी। तो अब जल्दी ही राष्ट्रपति की तरफ से भी निर्णय सुना दिया जा सकता है। फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि सिफारिश भेज दी गई है राष्ट्रपति को कि फांसी की सजा बरकरार रखी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिश भेज दी गई है राष्ट्रपति को कि फांसी की सजा निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की बरकरार रखी जाए। अब इंतजार उस बात का है कि राष्ट्रपति की तरफ से कब इस बात का ऐलान किया जाता है। निर्भया केस से जुड़ी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मुकेश की दया याचिका को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई है और सिफारिश में सूत्रीय बता रहे हैं ये साफ कर दिया गया है कि फांसी की सजा जो है उसे बरकरार रखा जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुकेश सिंह ने यह दया याचिका लगाई थी, इस पर राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से राय मांगी और गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिश की गई है कि फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए। और वहीं निर्भया की मां की यह तस्वीर, उनके आंसू जो थम नहीं रहे, 7 साल से ज्यादा लंबा ये सफर जो निर्भया की मां ने, हम देश के रखवाले हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। सात साल से लंबा ये सफर जो निर्भया की मां ने अकेले गुजारा है अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए, आज ये खबर आई तो निर्भया की मां की आंखें छलक गईं। आंसू आपने देखे किस तरीके से उनके थम नहीं रहे हैं, मन भारी है और दुख इस बात का भी कहीं ना कहीं कि आखिरकार ये जो दोषी हैं इनके अधिकारों का इतना ख्याल क्यों, इन्हें इतने अधिकार क्यों।